देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। दोस्तों कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों भारत के मशहूर राज्य आंध्र प्रदेश में मेरे साथ एक ऐसा हादसा हुआ था जो लोगों को एक नई सीख प्रदान करता है। तो आइए जानते हैं मेरे साथ घटी इस खौफनाक कहानी को। दोस्तों अमूमन अंधेरी रातों में डर अपनी चरम सीमा पर होता है, कुछ ऐसा ही था। डर के मारे मेरे हाथ पांव फूल चुके थे। इस समय मैं आंध्र प्रदेश के एक छोटे से रेलवे ट्रैक पर था और वहां से मुझे एक ऑटो रिक्शा लेकर अपने चचेरे भाई जो आंध्र प्रदेश में गवर्नमेंट जॉब करते थे उनके पास जाना था मुझे। लेकिन दिक्कत तो ये थी कि मैं उनका एड्रेस नहीं जानता था। अब रात के 8 बजने को आए थे और अभी तक उस स्टेशन के बाहर मुझे कोई नहीं मिला जो लिफ्ट के बहाने मुझे आगे तक छोड़ सके। काफ़ी गाड़ी के सामने हाथ भी दिखाया लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उसके बाद थक हार कर मैंने पैदल पैदल चलने का निश्चय किया। लेकिन दिक्कत ये भी थी कि यहाँ से करीब 11 किलोमीटर आगे तक मुझे पैदल ही चलना होगा जो मेरे और मेरी बॉडी के लिए मुमकिन नहीं था। अपने हुष्टपुष्ट शरीर की वजह से मैं अपने पाँव को भी मुश्किल से रख पाता था। ऊपर से अब इस भारी भरकम शरीर को 11 किलोमीटर तक लेकर जाना मेरे लिए बड़ा ही मुश्किल कार्य था। ऐसा नहीं था कि मेरा वजन ज़्यादा था किंतु काफ़ी ज़्यादा सफ़र और साथ ही अपनी हाइट के अकॉर्डिंग थोड़ा ज़्यादा थकान होने के कारण मुझे चलने फिरने में दिक्कत होने लगी। काफ़ी देर तक मैं इसी सोच में था कि क्या पता कोई साधन मिल जाए, लेकिन मैं नाकाम रहा। कोई भी गाड़ी वाला गाड़ी रोकने को तैयार नहीं था। इसी बीच मुझे एक मीठी आवाज़ सुनाई दी, अजी सुनिए। और इत्तेफाक से जब मैं पीछे पलटा तो मैंने देखा कि एक खूबसूरत सी दिखने वाली लड़की मुझसे कुछ कहने का प्रयास कर रही थी। मैंने भी बड़े प्यार से उससे कहा, जी क्या हुआ? वो लड़की भी मुस्कुराते हुए बोली, वो मुझे हावड़ा नामक उस सोसाइटी तक जाना है, क्या आप उस तरफ ही जाने वाले हैं? तो मैंने अपनी मुंडी को हाँ में हिलाया क्योंकि मेरे चचेरे भाई भी वहीं रहते थे। पहले तो मैं आपको बता दूं कि मेरे चाचा जी के भाई लगने वाले वो अनिल अंकल उनका धर्म भाई था तो मैं उनके चचेरे भाई के नाम से ही जानता था। फिर मैंने उस लड़की को कहा, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम आपस में बातें करते करते रास्ता काट लेंगे। और इतना बोलकर मैंने किसी की गाड़ियां या बाइक का इंतज़ार ख़त्म कर दिया और उस लड़की के साथ साथ आगे की तरफ बढ़ने लगा। उस वक्त मैं उन रास्तों से अनजान था तो उस लड़की ने बताया कि वो रात दिन इसी रास्ते को सफ़र तय करती है, वो सब रास्तों को अच्छे से जानती है। पता नहीं क्यों लेकिन मुझे उस लड़की की एक एक बात में कुछ गहराइयां छुपी हुई दिखाई पड़ रही थी, कुछ ऐसा राज जो मैं खुद भी जान पाने में असक्षम था। जंगलों के बीचों बीच से गुजरने वाला ये रास्ता वास्तव में बड़ा ही अजीब था। रास्ते के दोनों तरफ साग के लंबे लंबे पेड़ नजर आ रहे थे जिनकी टहनियां सड़क पर झुकी हुई थी। बातें करते हुए मैंने उस लड़की से कहा, देखो ना कितना अद्भुत दृश्य है, पेड़ की शाखाएं भी जमीन तक पहुंच रही हैं, पता नहीं क्यों लेकिन मुझे तो बड़ा ही अजीब फील हो रहा है। इससे पूर्व कि मैं कुछ और बोल पाता उस लड़की ने कहा, तुम इस जगह को अच्छे से नहीं जानते, ये वास्तव में कोई अद्भुत स्थान नहीं बल्कि एक ऐसा डरावना स्थान है। और इतना कहने के बाद उस लड़की का मुंह बंद हो गया। इसी बीच जंगल के पास मौजूद वाले पेड़ों के अंदर से मुझे किसी चीज की आवाज सुनाई दी। आवाज बड़ी तेज और अचंभित करने वाली थी। मैं तो एक पल के लिए बिदक सा गया लेकिन उस लड़की के शरीर पर इस चीज का कोई फर्क नहीं था। वास्तव में मैं पहली बार किसी ऐसी लड़की को देख रहा था जिसके चेहरे पर इस जंगल के रास्ते से गुजरने के बावजूद भी कोई डर नहीं था। इतना जिगरा किसी लड़की में होना सच में बड़ा ही आश्चर्यजनक होता है। खैर मैं इस जगह से अनजान था तो मैंने उस लड़की के ऊपर अपना फोकस नहीं किया और चुपचाप रास्ते पर चलता रहा। पता नहीं क्यों लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि बस कुछ ही दूरी में उस लड़की के हाव भाव बदल गए हैं। उसके बोलने और चलने का अंदाज भी मुझे बड़ा ही अजीब लग रहा था। कुछ देर तक तो मैं बर्दाश्त करता रहा लेकिन बाद में जब उस लड़की ने मुझे चेतावनी देते हुए कहा, अगर तुमने यहाँ से जाने की हिमाकत की तो तुम अपनी जान गवा दोगे। पता नहीं क्यों लेकिन वो लड़की बहकी बहकी बातें करने लगी। मुझे लगा कि शायद इसका दिमाग सटक गया है। तभी मैं थोड़ा गुस्से से लथपथ हुआ और मैं कहने लगा, आपका दिमाग तो ठीक है ना, आपने मुझे इस रास्ते पर चलने को कहा था और मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ, अब आगे क्यों नहीं जाऊँगा?
तभी उस लड़की ने धीरे धीरे हंसना भी शुरू कर दिया और उसके हंसने की वॉइस अब किसी बड़े साउंड के रूप में तब्दील हो चुकी थी। उसके हंसने की आवाज़ मानो उस सुनसान पड़े जंगल में एकमात्र रूप से सुनाई दे रही थी। तभी मैं अपनी आंखों को नीचे झुकाता हुआ पीछे की तरफ हटने लगा, लेकिन यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि मैं उस लड़की के साथ ही यहाँ तक पहुँच गया। यकीन तो मुझे हो चुका था कि यह कुछ अजीब ही है। जब दोबारा मैंने अपनी नज़र उठाई तो मैंने देखा कि उस लड़की का शरीर अब धीरे धीरे हवा में तब्दील होने लगा। वो सफ़ेद सफ़ेद धुआं बनकर वहाँ से गायब हो गई। पता नहीं अब मुझे चैन की सांस मिली या फिर खतरे की घंटी। ये मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब आगे जाऊँ या फिर वापस स्टेशन की तरफ बढ़ने लगूँ, क्योंकि सब कुछ मेरी समझ से बाहर था और इतनी अच्छी मेरी किस्मत भी नहीं थी कि इस घनघोर जंगल में मुझे कोई साधन मिल जाए जिसके ऊपर सवार होकर मैं अपनी ज़िंदगी की रक्षा कर सकूं। अब मैं पूरा डर से सहम चुका था। बस कुछ पल और बाकी हैं और उसके बाद तुम्हारी लाश यहाँ से गुजरेगी। ये आवाज़ जस्ट मेरे पीछे से आई। फटाफट मैं पीछे मुड़ा तो मेरी आँखें खुली की खुली रह गईं। मुझे ज़ोरदार सदमा लगा। आसमान से उतरी पंखों वाली एक डायन जो किसी अज्ञात शक्ति का रूप लग रही थी। भूत प्रेतों के बारे में तो मैंने काफ़ी सुना था, लेकिन आज जिस चीज़ को मैं देख रहा था वो तो मेरे दिमाग से भी बाहर थे। ये एक ऐसी अकल्पनीय चीज़ थी जिसे देखकर मैं पूरा थरथर कांप उठा। इसके बड़े बड़े दांत और हाथों में लंबे लंबे नाखून व इसका पूरा दल जो मुझे कभी भी मौत के घाट उतार सकता था। मुझे अपनी जान की परवाह होने लगी। मैं इस अधेड़ उम्र में मरने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। मेरे पास भी एक रास्ता था जो अभी भी मेरी जान बचा सकता था, और वो था मेरा फ़ोन। तभी मैंने फ़ोन निकाला और किसी को फ़ोन करने की ट्राई करने लगा तो मैंने देखा कि मेरा फ़ोन तो स्विच ऑफ हो चुका था। जब उसे खोलने की कोशिश की तो मेरी बदकिस्मती के कारण वो भी नहीं खुल पाया। मुझे तो खुद पर ही गुस्सा आ रहा था, और एक तो किसी अज्ञात लड़की के साथ ही यहाँ तक सफ़र काट कर मैंने सबसे बड़ी गलती को अंजाम दिया। दूसरी तरफ मैं बुरा फंस चुका था, और सामने की ओर देखा तो जंगली रास्ता अभी भी सन्नाटे से भरा लग रहा था। एक पत्ता भी नहीं हिल रहा था। मेरे कदमों की आवाज़ मुझे साफ साफ मेरे दिल की धड़कनों को तेज कर रही थी। इतने में एक हवा के झोंके ने एक बार फिर उस खामोशी को तोड़ दिया और सब कुछ फिर से नॉर्मल हो गया। कभी माया भ्रम होता तो कभी आसमान से उड़ने वाली भयानक डायन, किसी जानवर के घुर्राने जैसी आवाज़ ने मेरे शरीर में एक बार फिर सनसनी का संचार किया। यह आवाज़ मेरे सामने से आ रही थी, लेकिन अंधेरा होने की वजह से मैं कुछ देख नहीं पा रहा था। सामने की ओर से एक तेज़ रोशनी चमकने लगी जो मेरी आँखों तक घुस रही थी। सब कुछ अचानक हो रहा था, जिसे समझ पाना तो मेरे बस की बात नहीं थी। मैं अपनी पलकों को छुपाने की नाकाम कोशिश करता रहा, लेकिन जहाँ जहाँ मैंने अपनी आंखों को झुकाया मुझे वहीं उस रोशनी का सामना करना पड़ा। कुछ देर के बाद वो रोशनी आना बंद हो गई। ये तेज तर्रार रोशनी वास्तव में बड़ी अविश्वसनीय थी। जिंदगी में पहली बार इतनी तेज रोशनी का सामना कर रहा था जो शरीर पर पड़ने के बाद शरीर भी आग की तरह तपने लगा। एक बार फिर मुझे उसी महिला का सामना करना पड़ा जो बार बार मेरे दिल में डर का आतंक मचा रही थी, मगर इस बार उसका स्वभाव बदल चुका था। जब वो मेरे ऊपर अटैक करने वाली थी, आहिस्ता आहिस्ता उसने अपने कदमों को मेरी ओर बढ़ाया और फिर मेरा गला दबोच लिया। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि पहली ही बार में मैं चैत हो गया और ज़मीन पर गिर पड़ा। पता नहीं उस औरत के मूड में ऐसा क्या जच रहा था कि वो बार बार मुझे उठा उठा कर पटक रही थी। लगातार 2 से 3 बार ऐसा ही हुआ, मगर उसके बाद मेरी आंखें बंद हो गईं। फिर तकरीबन आधे घंटे के बाद जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मैंने पाया कि इस वक्त मैं एक गुफा में था। उस गुफा के चारों तरफ जंगली पेड़ों की शाखाएं नजर आ रही थी। अब मेरा गला सूख चुका था, साथ ही मेरे गले के ऊपर कुछ लगा हुआ था। ठीक से देखने पर पाया कि वो खून था। हालांकि अच्छी बात तो ये थी कि उस गुफा से निकलने का रास्ता सामने दिखाई पड़ रहा था, और मैं अपने खून से सने हुए गले को पहुंचता हुआ उस गुफा से बाहर निकला तो मैंने देखा कि बाहर तो वही इलाका था जहां मेरे साथ अजीब अजीब घटनाओं ने जन्म लिया था।
हालांकि अब दूर दूर तक मुझे उस भयानक डैन का तो कोई नामो निशान नहीं दिख रहा था, लेकिन इसी बीच मुझे एक बूढ़ी अम्मा नजर आई जिन्होंने मुझे गुफा में चलने का इशारा किया। लेकिन अब मैं कहाँ उनकी बातों को स्वीकार करने वाला था। पहले भी किसी पर विश्वास करके मैंने बड़ी मुसीबत को खरीद लिया था और अब मैं नहीं चाहता था कि मेरे साथ कुछ और गलत हो। उस बूढ़ी अम्मा ने कहा, बेटा अगर तुम यहाँ से कुछ और कदम आगे बढ़े तो वो आसमानी डैन तुम्हें यहीं पर ख़त्म कर देगी। कुछ तो था जो उस बूढ़ी अम्मा को सबसे अलग दिखा रहा था। फिर उसने कहा, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, ये मेरा वादा है। अगर तुम अपनी जान की परवाह करते हो तो गुफा के अंदर घुस जाओ, अन्यथा तुम्हें इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। पता नहीं क्यों, लेकिन ना चाहते हुए भी मैं उस बूढ़ी अम्मा की बात को मानता हुआ उस झोपड़ी के अंदर घुस गया। शायद उस बूढ़ी अम्मा के द्वारा कहे गए सब मेरे दिल तक पहुँच गए। मैं तत्कालीन झोपड़ी के अंदर पहुँचा तो उसके अंदर हड्डियों के साथ साथ मांस के टुकड़े बिखरे हुए थे। कहीं ना कहीं यहाँ पर भी कुछ गलत तो था जिसे मैं समझ नहीं पा रहा था। फिर मुझे अचानक नींद की झपकी आने लगी। नींद इतनी जोरों से आ रही थी कि मैं ना चाहते हुए भी ज़मीन पर बैठ गया और अपनी आंखें बंद करने लगा। मैं पूरी कोशिश कर रहा था कि मैं सोने के बजाय यहाँ से निकलने का कोई रास्ता तलाश लूँ, लेकिन मैं पूरी तरह से नाकाम रहा और गहरी नींद लेने लगा। फ़ोन की घंटी के साथ साथ जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मैंने पाया कि उसी सड़क से बाएं ओर सटा हुआ एक स्थान जहां पेड़ों के अलावा कुछ नजर ही नहीं आ रहा था और मैं उस स्थान पर लेटा हुआ था। अब वो झोपड़ी भी वहां से गायब हो चुकी थी और इस अविश्वसनीय नज़ारे को देखकर मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। उसी दौरान मैंने देखा कि रात के तकरीबन 3:30 बजने को आए थे और मेरे बगल से बाइक की हेडलाइट की रोशनी मेरे माथे पर टपक रही थी। मैं उस इंसान से लिफ्ट मांगने की अब कोशिश करने लगा, लेकिन जब वो मेरे पास पहुंचा तो मैंने देखा कि ये तो कोई और नहीं बल्कि मेरा चचेरा भाई ही था। फिर उन्होंने बताया कि उन्होंने फ़ोन की लाइव लोकेशन देख लिया था कि इस वक्त मैं कहाँ पर मौजूद हूँ, और ज़्यादा समय लगने के कारण वो चिंतित हो गए और उसके बाद यहाँ तक पहुँच गए। दोस्तों उस दिन मैं उस औरत का शुक्रगुजार था जिसने मेरी जान बचाने में एक अहम भूमिका निभाई, लेकिन आज तक मैं इस बात को नहीं जान पाया कि आखिर वो औरत कौन थी और उसकी झोंपड़ी में मांस के टुकड़े क्यों थे। कुछ लोगों का कहना है कि सालों पहले ये जगह श्रापित हो गई थी, उसके बाद यहाँ पर एक बूढ़ी अम्मा निवास करती थी और एक दिन अचानक उसकी भी मौत हो गई। कहते हैं उस दिन के बाद वो बूढ़ी अम्मा मुसीबत में फंसे लोगों की मदद करती है। दोस्तों उस दिन के बाद सच बताऊं तो मैं रात्रि के दौरान अपने किसी भी रिश्तेदार के घर जाने की हिमाकत नहीं कर पाता। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।